ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से पिछले 3 साल से अवाम में पानी दिया जा रहा है। उस दौरान ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात बताई। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। अल्लाह बरकातहू महतरम नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी तकसीम करने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना शाम में 7 बजे से 9 बजे के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी तकसीम किया जा रहा है। ये सिलसिला पिछले 3 साल से जारी है, लेकिन ये कोरोना के जो हालात चल रहे हैं इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फवक्तन यहाँ पर पानी की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पानी तकसीम किया जा रहा है। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी हम अपने ट्रस्ट की तरफ से इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। इसके अलावा गुरबा और मसाकिन फ़करा के दरमियान खाना खिलाने का भी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से जारी है। कई मकामात पर शहर के अंदर इसी तरह से अजला के अंदर गुरबा के दरमियान खाना खिलाने का भी सिलसिला जारी है। इसी तरह से पानी का भी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। पानी पिलाने का सिलसिला तो नीलोफर में है, अलबत्ता खाना खिलाने का सिलसिला नीलोफर में भी है। इसी तरह से जजगी खाना जो मेटर्निटी हॉस्पिटल है वहाँ पर है, इसी तरह से और कैंसर हॉस्पिटल के अंदर भी है। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी पानी की दिक्कत हो रही पब्लिक के लिए। जी इंशाल्लाह उस सिलसिले में भी हम इंशाल्लाह गौर फिक्र करेंगे। जी खाने का तो अच्छा इंतजाम है मगर पानी का नहीं है। जी इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम अपने ट्रस्ट के जानिब से कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी एक सिलसिला शुरू करने का इंशाल्लाह अज़्म रखते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर।